हम क्या अकेले 10 साल से मुंबई में हूँ, लेकिन अकेले हमको छोड़ दीजिएगा, खुद ड्राइव अगर कर रहा हूँ तो अकेले अंधेरी से फिल्म सिटी जा सकता हूँ और मठ में जा सकता हूँ, तीसरा कहीं नहीं। हमको आज तक पता नहीं चला है कौन रोड किधर है यार, कौन सा मेडिकल किधर है, कौन सा कॉलेज किधर। आपने सुना पवन सिंह क्या कह रहे हैं? जी हाँ, उन्हें मुंबई की गलियों का पता नहीं है। मुंबई में वो कुछ ही जगह से वाकिफ़ है, जैसे वो अपने घर से फिल्म सिटी, फिल्म सिटी से मड, यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की रोड्स के बारे में उन्हें नहीं पता है। जी हाँ, अब आप ये कहेंगे कि इतने सालों से पवन सिंह मुंबई में रह रहे हैं, उनके लिए ये कौन सी बहुत बड़ी बात होगी? तो हम आपको कहेंगे, बात तो एकदम सही है, इतने सालों से मुंबई में रह रहे पवन सिंह के लिए ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह जितना बिहार की धरती से वाकिफ़ है, बिहार की जगहों से वाकिफ़ है, वह उतना वो मुंबई में जगहों से वाकिफ़ नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ज़्यादातर यूपी बिहार की फिल्मों की शूटिंग यूपी बिहार, झारखंड और गुजरात में होती है। इस वजह से मुंबई में पवन सिंह का रहना थोड़ा कम ही होता है। हाँ, ये बात और है कि काफ़ी लंबे अरसे से मुंबई में रहने के बावजूद भी पवन सिंह अभी भी यहाँ की गलियों से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन ये भी बात और है कि अभी भी अगर बिहार में आप कहीं भी पवन सिंह को छोड़ देंगे तो उनका कहना है कि किसी भी कोने में वो अपने घर आ जाएंगे, लेकिन मुंबई में किसी कोने पे छोड़ देंगे तो शायद वो घर तक पहुंचने में वो नाकाम साबित हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा खुद पवन सिंह कह रहे हैं। वैसे पवन सिंह की इन सारी बातों पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि पवन सिंह और भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हर जानकारी यूनिक यहीं आपको मिलेगी, कहीं और नहीं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।